हाय गाइस, गुड इवनिंग। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, रिव्यू दी थी मैंने जो नई वॉच परचेस की थी, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट फिटनेस वॉच नॉइस इवॉल्व 2 एट अ प्राइस ऑफ 3999। तो राइट नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग ए मेजर बग हियर, द वॉच इज कम्प्लीटली नॉट वर्किंग। यू कैन सी इसके डिस्प्ले पे यही दिख रही है, एंड ये जो दो बटन थे, दिस बटन्स आर कम्प्लीटली नॉट वर्किंग। आई एम शोइंग यू कि क्या क्या इशू हो रही है इस वॉच पे अभी। And noise authorities, if you are seeing this, please आपकी software update करिए, whatever you are doing it. But watch is completely amazing, but this issue which is being raised right now is completely unacceptable. आप please इसको update करें। Already मैंने इसको Flipkart से purchase किया था, तो मैं इसको replace कर रहा हूँ, refund मैंने मंगा दी है। If I am satisfied with the watch, but ये वाली जो issue आ रही है, it is completely not acceptable. You should have checked कि ये सारी चीज़ें properly work कर रही है कि नहीं work कर रही है। एक दिन फर्स्ट डे बहुत अच्छे से गया, सेकंड डे ये सारी इशू आ गई। तो गाइज, इफ यू आर सीइंग दिस इन योर ओन वॉचेस आल्सो, प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स। और आपको कोई सलूशन पता है या आपको कुछ पता चला इस व्हाई दिस इज हैपनिंग, तो आप एक बार मेरे को कमेंट्स पे बताएं, सो दैट मैं अपने वॉच को भी ठीक कर सकता हूँ। तो गाइज, अभी चलते हैं, जो वॉच में इशू हो रही है वो एक बार मैं आपको वीडियो पे बना के दिखाता हूँ कि ये इशू आपके वॉच में भी हो रही है या नहीं। गैस, जस्ट टू लेट यू नो, ये जो वॉच मैंने दो दिन पहले परचेज की थी, तो ये वॉच पे अभी एक मेजर इशू देखने को मिल रही है। राइट नाउ दिस बटन्स आर एब्सोल्युटली नॉट वर्किंग। तो इसमें कुछ भी अभी कर नहीं पा रहा हूँ। पहले दिन तो सब अच्छे से चल रही थी, अभी बस ये मैसेजेस बस आ रही है और कुछ भी नहीं हो पा रहा। यू कैन सी मैं बटन दबा रहा हूँ, बट नो चेंज इज हैपनिंग। तो इसको अभी एक बार टर्न ऑफ करते हैं। तो राइट नाउ यू कैन सी ये रीसेट स्विच ऑफ हो गया। मैंने पावर बटन डबल की प्लेस किया एंड आई कैन सी नथिंग इज हैपनिंग। सो आई एम कम्प्लीटली वॉरिड। तो मैंने इसको रिप्लेस करने का तो रिटर्न मैंने डाल दिया है, फ्लिपकार्ट से परचेज किया हुआ था, तो मैंने इनको रिटर्न डाल दिया है। मोस्टली ये कल रिटर्न हो जाएगा। यू कैन सी कुछ भी नहीं हो पा रहा है अभी, तो कुछ भी इसमें नहीं दिख रहे हैं। तो इसको टर्न ऑफ भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ना कुछ भी कर पा रहा हूँ। मैं डबल ये बटन मैंने कंटिन्यूस दबाया तो कुछ भी नहीं हो रही है। तो एब्सोल्युटली आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस राइट नाउ, क्योंकि मुझे पता नहीं थी कि ये दो दिन के बाद ऐसा इशू हो जाएगा। गाइज, आपने अगर खरीदी है ये वॉच, तो आप एक बार बताएं कमेंट्स पे भी आपकी वॉच में भी ऐसे हो रही है या आपकी वॉच सही चल रही है। तो नॉइज अथॉरिटीज़, इफ़ यू आर सीइंग दिस, आप प्लीज़ इसको आइदर सॉफ्टवेयर अपडेट से चेंज करें, नहीं तो ये वॉच रिटर्न ले लें या रिप्लेस कराएं। प्लीज़ डू दीज इशूज़ पहले सॉर्ट आउट करें, क्योंकि इट इज़ एब्सोल्युटली द प्रोडक्ट इज़ अमेजिंग, बट आपकी ये बग जो है, ये बग बिल्कुल भी हमें तो बिल्कुल मतलब बेकार लग रही है, क्योंकि ये घड़ी तो काम ही नहीं कर रही है। यू कैन सी मैं कंटिन्यूसली कितने टाइम से प्रेस कर रहा हूँ, बट द बटन इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल। तो प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द इशू, व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस। इफ़ एनीवन नोज इट, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, सो दैट कि आई कैन ऑल्सो डू इट फॉर माई वॉच एज वेल। बिकॉज मैंने ये परचेज की है, तो मुझे इसकी ठीक तो करवानी है, क्योंकि फ्यूचर में फिर मैं नॉइज़ को कंसिडर ही नहीं करूँगा फॉर दीज कैटेगरीज ऑफ वॉचेज। इफ़ आई एम गोइंग टू बाय नॉइज़ को मैं परचेज नहीं करूँगा फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो मैंने अभी अपडेट कर दी फीस, फिर भी देखिए आपको ये चीज़ दिख रही है, तो इट्स अ मेजर इशू गाइज। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज, अभी आप ये वॉच परचेज ना करें, कुछ दिन रुक जाए, सो दैट कि ये इशू जो है ये सॉर्ट आउट हो जाए। तो वंस द इशू इज सॉर्ट आउट, तभी हम इसको फिर नेक्स्ट कंसिडर कर सकते हैं।